एवरीवन, अश्वेत सुपर हीरो को लेकर बनाई गई एमसीयू की पहली फिल्म ब्लैक पैंथर का सीक्वल है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले अभिनेता चैडविक बोसमैन की कैंसर के कारण अगस्त 2020 में मृत्यु हो गई थी। तब इस फिल्म के दीवानों को लगा था कि सीक्वल शायद नहीं बन पाए, लेकिन निर्देशक रयान कुगलर ने स्क्रिप्ट में कई बदलाव कर दूसरा भाग बनाया है जिसके तार पहले भाग से जुड़े हुए हैं। चैडविक बोसमैन द्वारा छोड़े गए शून्य को भर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिल्म में जुड़े लोगों ने प्रयास जरूर किया है। फिल्म के अंत में स्पष्ट होता है कि ब्लैक पैंथर सीरीज का समापन अभी नहीं होगा और भविष्य में कुछ फिल्में देखने को मिल सकती हैं। बात करें फिल्म की कहानी की तो रानी रामुंडा सिंहासन पर विराजमान है और वकांडा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। वाइब्रेनियम के नियम के सभी को पता चल चुका है क्योंकि अमेरिका की एक स्कूली लड़की ने वाइब्रेनियम खोजने की मशीन बना ली है, जिससे पता चलता है कि वकांडा के अलावा टलोकन ने भी वाइब्रेनियम के हैं और टकुलन के राजा नामोर को इस बात के लिए वकांडा पर शक होता है और इस वजह से दोनों देश आमने सामने हो जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में ब्लैक पैंथर के नहीं रहने से उदासी भरा माहौल रहता है, एक शून्य उभर कर सामने आता है और कहानी बेहद गंभीर हो जाती है। फिर धीरे धीरे वाइब्रेनियम वाला ट्रैक आता है और फिर नामोर की एंट्री होने पर फिल्म एक्शन की ओर शिफ्ट हो जाती है। फिल्म की शुरुआती घंटा थोड़ा भारी है, यहाँ पर काफी लंबे लंबे दृश्य जो उबाऊ भी लगते हैं। नामोर शुरू में एक सकारात्मक किरदार लगता है और बाद में ग्रे शेड लेते हुए नेगेटिव की ओर तब्दील हो जाता है। उसका वकांडा पर शक करना, उसके शक को दूर करने का की प्रिंसेस द्वारा अधिक प्रयास न करना अखरता है। बात इतनी बड़ी नहीं रहती कि इतनी बिगड़ जाए कि युद्ध की नौबत आ जाए, यहाँ पर और बेहतर सिचुएशन बनाई जानी थी। सीआई एजेंट वाला ट्रैक भी कहानी पर बहुत प्रभाव नहीं डालता। महज फिल्म की लंबाई बढ़ाता है और क्लाइमेक्स जोरदार है और वैसा ही है जैसे कि सुपर हीरो की फिल्मों में उम्मीद की जाती है, लेकिन इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। फिल्म की इस बात के लिए तारीफ की जाती है कि सुपर हीरो की फिल्म में स्त्रियों के सशक्त किरदार है और वे अहम फैसले लेती हैं। डायरेक्टर रयान कुगलर ने ड्रामे के जरिए दर्शकों को लुभाने का प्रयास किया, लेकिन स्क्रिप्ट ने ज्यादा साथ नहीं दिया। फिल्म की गति धीमी और चौंकाने वाली लम्हे कम है, एक्शन की कमी भी महसूस होती है। प्रिंसेस सूर्य के रूप में लेटेटिया राइट का अभिनय उम्दा है, दूसरी ओर नामोर के किरदार में टेनोच दुबोल्टा मेजिया भी जमे हैं। अन्य कलाकारों में एंजेला बेसेंट और विस्टन ड्यूक का अभिनय उल्लेखनीय है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी शानदार है, अंडर वाटर वाले कुछ सीन बढ़िया फिल्माए गए हैं, 3D इफेक्ट में इनका प्रभाव बढ़ जाता है, राइटिंग एडिटिंग की जरूरत महसूस होती है। कुल मिलाकर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर उम्मीदों से बहुत ज्यादा कम निकली है। चलिए तो रहा मेरा रिव्यू, अब आप बताइए आपने मूवी देखी कि नहीं देखी, तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।